हेलो गाइस, सो इन दिस लेक्चर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न, हम लोग देखने वाले थे हाउ टू फाइल एग्जामिनेशन फॉर्म नवंबर 20 के लिए, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं जो रिपीट अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर आपने पहले एग्जाम फॉर्म भरा था। सो दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर जिन्होंने पहले एग्जाम फॉर्म भरा था। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या आपको एग्जाम फॉर्म भरना है, फिर से आंसर इज येस, क्योंकि आईसीए ने एसएमएस भेजा है आई थिंक सभी आपको कि आपको एग्जाम फॉर्म फिर से भरना है, राइट? तो आपका बस क्या होगा कि जो आपका एग्जाम फीस है विच यू हैव ऑलरेडी पेड वो दैट विल बी एडजस्टेड इन नवंबर 20 एग्जामिनेशन। बाकी रिमेनिंग प्रोसेस एज इट इज, आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। तो अगर आप शायद भूल गए होंगे या फिर जो भी होगा, लेट अस अगेन क्विकली फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपको पता है यू हैव टू गो ऑन ICAI एग्जामिनेशन, है ना, ICAI exam.ICAI.org, विजिट दिस वेबसाइट, करेक्ट है ना। ऑलरेडी आपके पास लॉग इन आई डी होगा, अगर गलती से मान लो आपके पास नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर देना, पर जिनके पास है यू नो इट इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको कोई ना कोई पासवर्ड पहली बार लास्ट टाइम आया ही होगा, राइट? यूज दैट गाइज, यूज दैट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोई नंबर ऑफ अ स्टूडेंट एंड द पासवर्ड डालेंगे हम लोग तो आ जाएगा अपने पास लॉग इन, राइट, 4 8। ऑल राइट, नाउ वी आर लॉगिंग इन। ये आ गया अपना लॉग इन, आपका एज यूजल डैश पोर्टल आ जाता है आपका स्टूडेंट का, इजंट इट वेरीफाइड, वेरीफाइड आपकी ईमेल मोबाइल एंड ऑल ऑफ दैट, वो लकीली आपको होना चाहिए। नाउ चेक ऑन द राइट हैंड साइड, मार्कशीट ई लॉकर, ये तो पुरानी चीज़ है, आई एम टॉकिंग ऑफ रिपीटर्स। तो अप्लाई ऑनलाइन फॉर मई 20 अगर आपने ऑलरेडी फॉर्म भरा था, इजंट इट, अगर आपने ऑलरेडी फीस भरे थे की बात कर रहा हूँ मैं, तो डाउनलोड पीडीएफ जो भी काम का नहीं है, दिस एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे दिखेगा, अभी अप्लाई फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन, इजंट इट, अप्लाई नाउ को विंडो खुल चुका है गाइस, इजंट इट? सो क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, और आपके सभी के डिटेल्स, आपके जो पुराने डिटेल्स पहले से थे गाइस, वो पहले से रहेंगे ही रहेंगे। सो यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग डिफरेंटली, बट मेरी माँ ही तो नो है यहाँ पे, ओके, करेक्ट, ऑल राइट, बढ़ते हम लोग आगे। सो ये बेसिक डिटेल्स आपके ऑलरेडी रहेंगे गाइस वहाँ पे, तो यू जस्ट हैव टू गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव डिटेल्स एज इट इज, है ना, राइट? आई हैव रेड द गाइडेंस एंड डाउनलोड करेंगे हम लोग डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, आई हैव स्कैन कॉपी ऑफ सर्विस विच इज विद नेसेसरी अटेस्टेशन हो चुका है, एंड आई हैव बैंकिंग डिटेल्स, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वी एडजस्टिंग मई 20 फीस इन नवंबर 20 फीस, उसको क्लिक करो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी अपना फॉर्म भर लेंगे, है ना। सो यू कैन चेक ऑल योर डिटेल्स विच यू कन्वर्टेड और नॉट फ्रॉम CPT, अगर आपने पहली बार फाउंडेशन में रजिस्टर किया था इवन लास्ट टाइम, सो क्लिक ऑन नो यहाँ पे, हैव यू कन्वर्टेड फ्रॉम CPT टू फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन में रजिस्टर किया था सो क्लिक ऑन नो, ये डिटेल्स आपके पहले से आ जाएंगे। यू सिलेक्ट योर 4 डिजिट पिन आपको जो चाहिए, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी फिल्ड, आपने ये पहले फॉर्म भरा था तो पिन की जरूरत काफ़ी पड़ेगी आपको, जब रिजल्ट डाउनलोड करोगे उसके लिए पड़ेगा। ओके, सो वट एवर यू लाइक प्लीज टेक दैट अप। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एकेडमिक डिटेल्स, जो तुम्हारा था 12th का ऑलरेडी पास हो चुके हैं, एक्चुअली यार इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2019, करेक्ट है, ओके, उसका रोल नंबर आपके पास, मार्कशीट होना चाहिए उसका, सो P311 एंड बोर्ड इज योर जो भी आपने आपका रहेगा, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड और एनी अदर बोर्ड। ओके, डिटेल्स ऑफ लास्ट प्रीवियस अपीयरेंस, प्लीज ध्यान देना, दिस कैन नॉट बी मई 20 बिकॉज यहाँ पे हमको डालना है बच्चों रोल नंबर, और मई 20 एग्जामिनेशन में हॉल टिकट ही नहीं दिया था तो रोल नंबर ही नहीं है। ओके, अगर तुम यहाँ पे भी देखोगे डाउनलोड PDF, दिस विल नॉट गिव यू मई 20 एग्जामिनेशन के एनीथिंग। ओके, वहाँ पे तुमको ये नहीं मिलेगा, रोल नंबर नहीं है। सो एग्जाम कौन सी दी थी हम लोगों ने, मतलब फाउंडेशन दी थी अगर तुम लोग रेगुलर केस में, नवंबर 19 अगर दी थी की बात करो, इफ़ यू आर अ फ्रेश स्टूडेंट तो ये तुमका एप्लीकेबल नहीं है। ओके, फ्रेश मतलब पहली बार एग्जाम दे रहे थे तुम लोग, ध्यान देना, यू आर गिविंग मई 20 फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये तुमको भरना नहीं है, यू विल लीव इट ब्लैंक एज इट इज। अगर आपने नवंबर 19 दिया था उसमें फेल हुए थे, देन इट यू आर रिपीटिंग काइंड ऑफ, तो आपको नवंबर 19 की डिटेल्स भरना है अगर फेलियर वाला था केस तो, है ना, तो नवंबर दैट इज 11 2019। ओके, इफ यू आर गिविंग नवंबर 20 फॉर द फर्स्ट टाइम बट आप मई 20 में फॉर्म भर चुके थे तो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऑल राइट, तो बेसिकली आपको हॉल टिकट रखना है, सब डिटेल्स आपको स्टार्टिंग में रखना है। रीजनल रीजन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करो, आपको कौन सा, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ, जो भी रहेगा, सेंट्रल एक्सेट्रा, आपके SRN नंबर भी आपको समझेगा ना, WRO, CRO, NRO, ऑल ऑफ दैट। ओके, सिटी आप सिलेक्ट करो फिर आपके जोन के हिसाब से, है ना, कौन सा है, पे अटेंशन अगर आपको नहीं पता, पे अटेंशन अगर आपको नहीं पता कौन सा ले रहे हो, स्पेशली अगर कोई सिटी में बहुत सारे जोन्स है, यू कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ इट, तो आपको समझ जाएगा कौन सा वहाँ पे दिख जाएगा। ओके, आपको दिख जाएगा इफ यू डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क, पर सिटी तो आपकी फिक्स है ना, तो आप जोन्स तो चेक कर सकते हो कि आपके जोन्स कौन से आते हैं।
इफ यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क, आपको पूरा लिस्ट चाहिए, नो प्रॉब्लम, आपको बताता हूँ मैं हाउ टू चेक योर लिस्ट। तो चेक ऑन ICAexam.ICA.org दिख रहा है सबको यहाँ पे? यस। तो हमको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको यहाँ पे देखना है नवंबर 20 एग्जाम डिटेल्स। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, हमको दो चीजें बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिलेंगी, एग्जाम सेंटर्स एंड फी स्ट्रक्चर। तो अगर आप ऑलरेडी फॉर्म भर चुके तो फी स्ट्रक्चर आपको एज इट इज एडजस्ट होने वाली है, नथिंग टू डू अबाउट दैट। एग्जाम सेंटर पे क्लिक करो, आपको समझ जाएगा कि कौन से क्या क्या है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न रीजन लेता हूँ, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली विद एरिया आएगा, मतलब अहमदाबाद 1, थालतेज, गुरुकुल, सोला, भोपाल, ऑल ऑफ दैट, समझ रहे हो? अहमदाबाद 2 क्या है? सो योर यू विल सी कि आपका जोन कौन सा आता है, ये एग्जाम सेंटर कौन सा आता है, सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। समझा? एवरी वन गॉट इट? हाउ टू चेक दिस? ये हो गया यहाँ पे। सो कम, तो मैंने यहाँ पे कर लिया मेरा सिलेक्ट जोन, मीडियम ऑप्टेड आपका जो भी रहेगा, इंग्लिश या फिर हिंदी, मान लो अभी इंग्लिश, मतलब यहाँ पे है लिया मैंने। अभी डिक्लेरेशन पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, डिक्लेरेशन के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन आईसीए ने दिया नहीं है। सो इट इज राइट नाउ टू बी डीम्ड टू बी अज्यूम्ड एज ऑन 6 अगस्त एज ऑफ टूडे कि डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अभी डिक्लेरेशन के लिए सीए के ऑफिस खुलने तो चाहिए, लॉकडाउन में कहाँ से लेके आओगे, तो दैट इज एन इशू। बट पे अटेंशन, अगर आपके कोई घर में या फिर नजदीक में कोई सीए है, यू कैन टेक द डिक्लेरेशन, तो फॉर्म फिल कर दो। जब तक आईसीए, अपने पास बहुत टाइम है, पूरा आईसीएस 20 अगस्त का पूरा टाइम है अपने पास एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। सो वेट फॉर 1 वीक इफ यू वॉन्ट, अगर आपके पास कोई नजदीक में कोई सीए नहीं है तो की बात। और अगर तब तक आईसीए नोटिफिकेशन देता है कि डिक्लेरेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, आई विल पुट दैट एज अ कमेंट इन दिस वीडियो लेटर ऑन। एज ऑफ टूडे डिक्लेरेशन के लिए आईसीए ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है, सो इट इज टू बी अज्यूम दैट यू हैव टू, आपको डिक्लेरेशन फाइल करना ही है फ्रॉम अ सीए। तो डिक्लेरेशन आपको, अगर अपने लास्ट टाइम याद है आपको, तो आप कर सकते हो। फिर से आप जाना आईसीए वेबसाइट पे ही जाना, आईसीए एग्जाम पे, अगेन आईसीए एग्जाम पे ही है हम लोग होम पेज, ठीक है? अब फिर से एग्जाम ये वाला जो दिख रहा है नवंबर 20 एग्जाम डिटेल्स, क्लिक करो उसके ऊपर। यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्मेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, मतलब क्या क्या आपको डिक्लेयर करना है। फाउंडेशन ये वाला लिंक है, ओके, दिस रेड वाला जो है बच्चों, ये वाला आपका लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करो, राइट? तो इसको आपको प्रिंट करना है फिर से। आई नो, आई एम सॉरी, बट क्या करें, आईसीए ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिए। जैसे नवंबर 20 करेक्ट है, डिक्लेरेशन आपका नाम, फादर का नाम, एंड देन योर सिग्नेचर, पेरेंट्स सिग्नेचर, गार्डियन की सिग्नेचर, और यहाँ पे आपको सी है सब कुछ यहाँ पे लिखेगा, राइट? टेल योर, तो फॉर द सेक ऑफ प्रोफॉर्मा आपको दिखाने के लिए मैं दिखा देता हूँ, वी हैव डन राइट नाउ। तो हम लोगों ने नवंबर 20 के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म मैंने खुद साइन किया, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मेरे लिए। जब मैं क्लासेस में, हम लोग लाइव क्लासेस में रहते थे फेस टू फेस, तब हम लोग ये सब करते थे कि भाई चलो पूरे क्लास का एक साथ हम लोगों ने कर दिया साइन। पर अभी ये ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं फॉर ऑल ऑफ माई स्टूडेंट, दैट इज रियली, मतलब इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आपको ढूंढना पड़ेगा आपको नजदीक में कौन सी ए है, हु कैन साइन इट फॉर यू, ओके? एंड आईसीए ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया नहीं है, सो वी विल हैव टू अपलोड दिस, ओके? तो यहाँ पे हमको करना है अपलोड। इमेज साइज शुड बी बिटवीन 100 to 300 KB, तो भाई हमको ये अभी फिर से कंप्रेस करना पड़ेगा, राइट? ओके, हम लोग यहाँ पे जाएंगे सी फाउंडेशन डिक्लेरेशन फॉर नवंबर 20। अभी देखना, तो उन्होंने बोला दिस हैज टू बी जेपीजी और जेपीईजी ओनली, पहली बात तो इट इज इमेज लिखा है तो जेपीजी और जेपीईजी ओनली, एंड दूसरा तुम्हारा इमेज साइज शुड बी लेस देन 300 KB, समझा सभी को? सो द स्कैनिंग जो भी करोगे उसको जेपीईजी या फिर जेपीजी में करना, एंड इट शुड बी बिटवीन 100 to 300 KB के बीच में, ओके? तो इसको कंप्रेस कर लेना, अगर कंप्रेशन के लिए भी आपको चाहिए या फिर कन्वर्ट भी करना है, डिपेंड्स आपने कैसे स्कैन किया उसको। आई विल गिव यू वन साइट, तो एक वेबसाइट है online2pdf.com, यहाँ पे आप पीडीएफ के रिलेटेड जो भी है, कंप्रेस, स्प्लिट या फिर मर्ज, ये सब कुछ कर सकते हो। आई यूज दिस मेनली, तो अगर मैं यहाँ पे इसको करूँ, आई कैन कंप्रेस हो गया। अगर आपको भी करना, आप कर सकते हो। अगर बस ऑलरेडी आपके पास कुछ है, स्कैन ही आपने प्रॉपरली किया, तो जेपीईजी या फिर जेपीजी बिटवीन 100 to 300 KB, गुड। अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, हमको करना है उसको कन्वर्ट करना है इनटू जेपीजी और उसको कंप्रेस भी करना है, कंप्रेस उसको क्या कम भी कर लेंगे हम लोग हाफ में तो भी चलेगा। यहाँ पे डाउनलोड करते हुए आपको समझ जाएगा कि साइज कितना होने वाला है, अकॉर्डिंगली आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, राइट? तो अभी डाउनलोड के टाइम बोलेगा मुझको 188 KB, परफेक्ट है, क्या बात है। तो ये बिटवीन 100 और 300 KB है, जेपीजी है, तो काम हो गया अपना, इसको स्टोर कर लेते हैं हम लोग, एंड दिस वी विल अपलोड, ओके। तो अभी हम लोग करेंगे
जो हम लोग इमेज हम लोग अपलोड कर देंगे, जो हम लोगों ने कंप्रेस किया है, कन्वर्ट भी किया है, तो अब ये सब उसके आ जाना चाहिए। ग्रेट, डिक्लेरेशन हैज़ बीन सबमिटेड। अब हम लोग जाते हैं अगले पेज पे, सेव एंड प्रीव्यू। दिस ओनली अ प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन, तो आपकी डिटेल्स फिर से आपको दिख जाएंगे यहाँ पे क्या क्या थे आपके, राइट। कन्वर्जन नहीं है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आ चुका है, ओके। ट्वेल्थ ऑलरेडी पास है, प्रीवियस एग्जामिनेशन के आपके डिटेल्स आ जाएंगे कि आपने क्या क्या दिया था, कब दिया था, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसके ऊपर ध्यान देना, योर सेंटर सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। सेंटर सिलेक्शन की आपने कौन सा जोन, कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट किया है, देन आपको खुद के कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। ओके, एंड देन दिस इज इंपॉर्टेंट कि भाई फीस डिटेल, आपको अभी कुछ भी फीस पे नहीं करनी है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके जो ऑलरेडी आपने जो फीस भरे थे मई एग्जाम्स के, दैट हैज बीन ऑलरेडी एडजस्टेड ओवर योर फीस पेएबल इज नथिंग। सो आपको डिक्लेरेशन फिर से यहाँ पे आ जाएगा, राइट, करेक्ट, दैट्स इट। तो आई अग्री, फाइनल सबमिट। आई शो यू वॉन्ट टू सबमिट, क्लिक ऑन ओके। यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एग्जाम फॉर्म, यू हैव ऑलरेडी पेड ऑल्सो द एग्जाम फीस इन मे 20, तो आ गया, हेंस नो पेमेंट इज रिक्वायर्ड। प्लीज लॉग ऑन टू योर डैशबोर्ड टू डाउनलोड द PDF, जो आपने अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उसके लिए देख रहा है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर फाउंडेशन November 20, डाउनलोड PDF, यस। आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका फॉर्म, आपने जो भरा है, आपको देखना है अगर, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग फटाक से, यस। दिस इज वॉट योर एग्जामिनेशन फॉर्म इज, है ना, इजंट इट। आपको बाद में ऑब्वियसली हॉल टिकट तो बाद में आएगा, एवरी नो कैट लियर, राइट। तो आपने जो भरा है अभी जस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म, उसको ICM में भेजने की जरूरत नहीं है, इफ एंड ओनली इफ आपका नेम एंड सिग्नेचर इज अपियरिंग ऑन दिस PDF। ये क्लियर कट ICI ने बताया है ऑन द होम पेज, अगर आप देखोगे गाइडेंस नोट्स में, गाइडेंस नोट्स में आपको अगर आप फाउंडेशन देख रहे हो, नोट्स फॉर फाउंडेशन, ओके, तो अगर आपका ऑलरेडी फोटो आ रहा है वहां पर, बच्चों ध्यान देना, ओके, ये गाइडेंस नोट बहुत बड़ा है, आपको चाहिए तो बाद में खुद पूरा पढ़ लो यार, November 20 का है, ओके। आई मेक, इफ यू वॉन्ट आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, बट मैं तुमको फिलहाल इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, पे अटेंशन। डू नॉट रिंकल फोल्ड PDF, द PDF इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड सेंड टू एग्जाम ओनली इन केस ऑफ कैंडिडेट फोटो एंड अपीयरिंग आर नॉट डिस्प्लेड, उनको ही भेजना है, समझा कि नहीं समझा। तो ये यहीं पे फिर से देखो, दोज कैंडिडेट हुज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आर अपीयरिंग इन द PDF, मतलब अगर आपने पहले एग्जाम फॉर्म का भी भरा होगा तो अपने आप आ जाएगा वो नेम एंड द, सॉरी, द फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर। तो अगर अपियरिंग ऑन द PDF है तो वाइल फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपको फिर से प्रिंट आउट लेके ICI को देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने वो पेमेंट, मतलब आपने ओके क्लिक किया, आपके सामने वो PDF आ चुका था, ये वाला, इजंट इट। दिस इज द लास्ट स्टेप गाइस, योर एग्जामिनेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, राइट गाइस। चलो ऑल द बेस्ट, जितना भी टाइम बचा है मस्त पढ़ाई करो गाइस, है ना। अबाउट डिक्लेरेशन, राइट नाउ आई एम रियली सॉरी ऑन 6th August, तो कहीं ना कहीं CA से ढूंढना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं है, होपफुली विथ क्रॉस फिंगर्स कि भाई ICI कुछ नोटिफिकेशन आएगा, निकालेंगे कि भाई इस बार CA के डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है टिल दैट टाइम, बट एज फार एज पॉसिबल अगर मिलता है तो प्लीज़ ले लो ICI पे, मतलब उतना वेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो गाइस, अगर आपको पता, अगर आपको चाहिए था कि भाई व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ साइनिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह, तो प्लीज़ यहाँ पे देख लो फटाक से, फिर से गाइडेंस नोट्स में ही है लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है बच्चों। 5th August से चालू हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, फॉर क्रिएशन ऑफ लॉगिंग 4th September तो ठीक है, लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ प्रिंट आउट उनके लिए अगर है तो 8th September है, राइट। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग थ्रू क्रिएटेड, तो अभी ये हो चुका है 4th September, बहुत टाइम है, बट स्टिल एज अर्ली एज पॉसिबल करना तो खत्म कर लो। 7th September टू 13th September फिर से विंडो खुलेगा ओनली फॉर द सेक ऑफ करेक्शन, है ना। सो प्लीज गाइज बी रेडी एंड गेट दिस डन, ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।